पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 7 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा जो हुई है वो संबलपुर के बामरा में 77.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डे टेम्परेचर की बात करें तो पिथौरागढ़ में सबसे अधिक 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके बाद भुवनेश्वर में 33 डिग्री सेल्सियस और कटक में 32.2 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट डे टेम्परेचर नोटिस किया गया है। अगर बात करें सीजनल क्यूमुलेटिव रेनफॉल की तो अभी तक 1 जून से लेकर 19 अगस्त तक 700.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से 11% अभी भी नीचे चल रही है और 11 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिशिएंट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिस्टम की बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आज अभी भी साउथ बांग्लादेश और नेबरहुड के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। यह सिस्टम जो है समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक एक्सटेंड हुआ हुआ है। शुरू में यह सिस्टम जो है अगले 24 घंटे में उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करेगा। उसके बाद के 3 से 4 दिन में यह जो सिस्टम है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मूव करता हुआ गंगटी वेस्ट बंगाल झारखंड और सटे हुए बिहार उत्तर प्रदेश और उसके साथ सटे हुए मध्य प्रदेश के क्रॉस करता हुआ जाएगा। दूसरा जो मानसून ट्रफ है वो श्री गंगानगर दिल्ली कानपुर डेहरी बनकुरा से होता हुआ सेंटर इस लो प्रेशर सेंटर से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट बे बंगाल तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज भी पूरे उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहने की संभावना है। 20 तारीख को और 21 तारीख को जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा है वहाँ पर अनेक स्थानों पर और जो साउथ उड़ीसा है वहाँ कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। उसके बाद डे 4 यानी 22 तारीख को और उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। डे 5 यानी 23 तारीख को फिर से जो फेयरली वेदर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 1 में मयूरभंज क्योंझर सुंदरगढ़ झारसूगड़ा रायगढ़ नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और साथ में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। डे 2 20 तारीख को सुंदरगढ़ झारसूगड़ा संबलपुर देवगढ़ क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। उसके बाद डे 5 यानी 23 तारीख को झारसूगड़ा सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से।